दोस्तों, अगर हम धान की खेती करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसमें कितना खर्चा और कितनी सारी मेहनत लगती है। इसके बावजूद अगर हमारी धान की खेती में शीत ब्लाइट रोग आ जाता है जिससे कि हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाती है, तो ये सिर्फ हम ही समझ सकते हैं कि हमने हमारी फसल के अंदर कितना खर्चा और कितनी सारी मेहनत करी, उसके बावजूद भी हमारी फसल से हमें कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि हम आपको आपके फसल में होने वाले रोगों के बारे में पहले ही जानकारी दे दें, जिससे कि आप अपनी फसल को तो नष्ट होने से बचा ही सकते हैं, उसके साथ साथ अपना खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। और दोस्तों, एक खास बात कि हम ब्लाइट रोग पर एक पूरी सीरीज तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग फसल के बारे में, अलग अलग ब्लाइट रोग के बारे में बताया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं तो हम आपको उन वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के एंड में दे देंगे, जहां जाकर के आप आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि धान की खेती में शीत ब्लाइट रोग कब और कैसे आता है। तो पहले तो दोस्तों, ये आता तो जब है जब हमारी धान की खेती में, मतलब कि नमी आवश्यकता से ज्यादा बनी रहती है, तब ये ब्लाइट रोग आता है। और दूसरा, ये कब आता है? ये आता है अपनी धान की खेती में 40 से 50 दिन के बीच में। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम शीत ब्लाइट को पहचानेंगे कैसे। दोस्तों, आपकी धान का पौधा है उसके ऊपर आपको मतलब कि ब्राउन कलर के और येलो कलर के डॉट बने दिखाई देंगे और आपको आपका पौधा जला जला सा दिखाई देगा, तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। और इसका मेन कारण ये भी है कि ये हमेशा नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है, इस कारण से भी आप इसे पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप अपनी फसल को शीत ब्लाइट रोग से बचाएंगे कैसे। तो पहला तो ये कि आपकी फसल में जरूरत से ज्यादा नमी ना बनने दें, और दूसरा कि आप बाजार की जो दवाएं हैं, रासायनिक दवाएं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली तो है टेबुकोनाजोल 50%, और दूसरी है ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोन 25%, इनका आप छिड़काव कर सकते हैं। और अनेक प्रकार की और भी बाजार में दवाएं उपलब्ध हैं। और दोस्तों, ज्यादा तो मतलब कि एक खास बात कि अगर आपकी फसल में ये रोग अगर लगना स्टार्ट हुआ है तो आप इन दवाओं से इसे मतलब कि रोक सकते हैं, और अगर ये फैल चुका है तो फिर तो मुश्किल से ही रोक पाएंगे आप। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों, ऐसी खेती बाड़ी और किसानी से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल किसान प्लस सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और आप उस वीडियो को समय से देख पाए। और यदि दोस्तों आप अपने घर बैठे अपने आसपास की मंडियों के भाव जानना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप किसान प्लस मंडी भाव ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक हम कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।